ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड पहले तो गाइस तुम लोग ये मेरा आईडी देख लो गाइस। तुम लोग कमेंट में बोलते रहते हो ना कि आईडी बताओ। ये देखो, आज देख लो आईडी, देख रहे हो कितना स्मार्ट लग रहे हो। तो हाँ गाइस, आज मैं डुओ खेलने वाला हूँ। तो डुओ खेलने से पहले एक कार्ड लगा लेते हैं गाइस। और हाँ, पहले ही बता रहा हूँ, इम्पोस्टर का कार्ड है ही नहीं गाइस मेरे पास। मैंने सब यूज कर दिया, पता है, मैंने सब जो भी इम्पोस्टर का कार्ड था मैंने सब यूज कर दिया। और अभी मेरे पास सिर्फ स्पेस क्रू का कार्ड बचा है। और यार ये भी देखो यार, कितने नुबड़े रोल्स के कार्ड्स बचे हैं मेरे पास। हाँ बट टाइम मास्टर है गाइस। टाइम मास्टर का गेम प्ले मैंने नहीं लाया अभी तक, तो टाइम मास्टर इक्विप कर दिया मैंने। एंड अभी रैंडम प्लेयर से, अच्छा यार किसी को यहाँ से ही बुला लेता हूँ। सही बात है। पहले तो भाई ये सब रिसेंट वाले मैच के लगते है। हाँ ये सब शायद रिसेंट वाले मैच में आए थे। एंड यार मेरे फ्रेंड्स में सो गए क्या सभी फॉलोइंग वाले? लगते हैं सो गए गाइस, इतने ही है। ओ अच्छा खेल रहे शायद। हाँ खेल रहे। और ऑनलाइन दो लोग हैं, उनको बुला लेते हैं गाइस, दोनों को एक साथ इनवाइट कर लेते हैं, जो भी आएगा देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। एंड अच्छा और भी आ गए शायद। ओके मैंने यहाँ पे दो इनवाइट कर दिया। एंड ये आ चुके हैं पहले तो। ओके मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। और हाँ गाइस, टाइम मास्टर का कार्ड तो मैंने ऐसे ही लगाया। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि स्पेस क्रू कार्ड लगाने के बाद भी इम्पोस्टर मिल जाता है, मेरे साथ तो होता है गाइस। ऐसा जादूगर है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता। मैं तो भाई अभी भी राह देख रहा हूँ कि काश इम्पोस्टर मिल जाए भाई। एक बार इम्पोस्ट आ रहे यार, नहीं मिलेगा, मुझे पता था यार। शी अब टाइम मास्टर ही लेना पड़ेगा। ये एजेंट तो भाई एकदम बकवास रोल है। तो मैं तुम्हारे सीने में भाला घुसेड़ दूंगा। और इसने शरीफ लिया भाई, मेरे पार्टनर ने। बहुत बढ़िया, अब ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा यार, सही बता रहा हूँ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अभी गेम ऑन होते ही गाइस मैं एक टास्क करके रख लूंगा, क्योंकि यार अभी ये किसी को तुक्के मारे तो मुझे बचाना भी तो पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अपना अबे यार ये रोल देखो यार, जोकर आ गया यार। शिट, अभी यार जोकर जब भी आता है ना दिमाग खराब होता है, सही बता रहा हूँ। पहले टास्क करते हैं गाइस, ये फुटबॉल वाला एक टास्क है यहाँ पे, हवा भरने का। यार क्या है यार ये सब, क्या करवा रहे। ओके तो भाई ये बहुत जल्दी होता है, कोई नहीं ये हो गया, देखा कितना जल्दी हुआ। एंड अभी ये मैं शायद रिवाइंड कर सकता हूँ। नहीं थोड़ा सा बचता है गाइस, थोड़ा सा बचता है, ये देखो थोड़ा बच गया। तो अभी ये तो हो जाएगा यार, ये तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं अपना पार्टनर को ढूंढता हूँ, कहाँ है। अच्छा ये भाई मेडबे में जा रहा है। ओके अभी मैं इसको वो थंब वाला इमोजी दिखाऊंगा गाइस, ये किल करना स्टार्ट कर देगा शायद, पता नहीं। अभी कोई सस्पिशियस नहीं है तो गाइस ये कैसे किल करेगा अभी। ओके ये टास्क कर रहा है। एंड यहाँ पे मेरा कूलडाउन तो हो चुका है गाइस। अब तू किसी को भी तुक्के मार, मैं बचा लूंगा किसी को भी। ओके गाइस मैंने यहाँ पे थंब दिखा दिया, शायद ये किल करे तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे यार मेरा लैग हो रहा है यार, और ये मेरे से बहुत स्पीड चला गया यार, पता नहीं। ओ ब्राउन ने मीटिंग बुलाया, अच्छा ही हुआ मीटिंग बुलाया यार। और यहाँ पे कोई मरा ही नहीं है, क्या कर रहे हैं यार इम्पोस्टर लोग, नशे वशे कर रहे हैं क्या? और ये देखो गाइस यहाँ पे शुरू भी हो गया ब्राउन की, वाइट ने वेंट किया, वाइट को निकाल दो। अरे चाचा यहाँ पे जोकर है गेम में तो ऑब्वियसली वो वेंट तो करेगा ही यार। ये लोग क्या यार इतना सा भी यार, ये सब बात एक नॉर्मल है यार, जोकर होता है तो ऑब्वियसली वेंट करता है, इतना भी लोगों को समझ नहीं आता यार। वाइट को निकालो बोल रहे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ गाइस कि पर्पल उसे मार देगा, पर्पल शरीफ है और मैं टाइम मास्टर हूँ। पर्पल मरा तो मैं उसको रिवाइव कर दूंगा। मैं सब कुछ यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस इन लोगों को, लेकिन यार यहाँ पे ये लोग समझ ही नहीं रहे यार। ये बोल रहे कि वाइट को आउट करो और उल्टा यहाँ पे गाली वाली देना भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया गाइस इनका, यार क्या यार। तो फाइनली ये लोग मान गए गाइस कि पर्पल वाइट को मार देगा, तो ये लोग स्किप किया। अभी दो वोट तो वाइट को आ चुका है, पता नहीं किसने किया होगा। अभी ये सब छोड़ो, अभी पर्पल जो है वाइट को मारेगा तो मैं टाइम रिवाइंड कर दूंगा, अगर ये मरा तो, पर्पल मरा तो, क्योंकि ब्राउन का भी कोई भरोसा नहीं है गाइस। ब्राउन भी जोकर वाले हरकतें कर रहा था थोड़ी, क्या पता वो ये तुक्के मार रहा होगा ये वाइट के ऊपर, अभी पता चल जाएगा वैसे वाइट क्या होगा। यही नहीं अभी और सुनिए, वाइट वैसे भागता नहीं है गाइस, भाग जोकर होता तो वेंट में छुप जाता, लेकिन यार देखते हैं। अभी मत मार दियो, वैसे तो अभी गोल डाउन चल रहा होगा उसका, कोई बात नहीं। अभी 3 सेकंड है गाइस मेरा कूल डाउन, 2 सेकंड है। ओके यहाँ पे मैंने थंब दिखा दिया, अब मार दे वाइट को मार दे। शायद यहाँ पे ग्रुप है गाइस इसीलिए नहीं मार रहा, यहाँ पे वो उल्टा खुद मर जाएगा। ओके अभी मार सकते हैं, और यहाँ पे पर्पल ने मार दिया और मैंने रिपोर्ट कर दिया गाइस। और यहाँ पे गाइस मैंने माइक ऑन करके पहले ही बोलना स्टार्ट कर दिया कि वाइट कुछ तो था, जोकर या कुछ तो था, इसीलिए पर्पल ने उसे मार दिया। और तुम लोग इनकी बातें देखो, ये देखो ब्राउन क्या बोल रहे, देखो रिपोर्ट क्यों करा। अरे यार क्या मतलब, कुछ भी चल रहा है, रिपोर्ट क्यों किया, मतलब डॉक्टर को बचाने दो क्या उसको, जोकर वाले
पहले तो खुद ब्राउन ने बोला कि व्हाइट ने वेंट किया, व्हाइट को निकाल दो। जब पर्पल ने उसको मारा तब बोल रहे हैं कि रिपोर्ट क्यों किया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। अबे क्या यार, ये लोग पहली बार गेम खेल रहे हैं क्या? क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। और रेड तो बोल रहा है कि फैंटम मार दिया। अरे कोई बात नहीं, अगर फैंटम मार दिया तो फैंटम को पकड़ सकते हैं, बट ये लोग मेरे को निकालने वाले हैं अभी। यार क्या बोलूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे इतने नूबड़े लोग यार जिंदगी में पहली बार मिले, पता है? ये ब्राउन बोल रहा है कि पर्पल को निकालो, पर्पल को निकालो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं टाइम मास्टर हूँ, बट लगता है गाइस इन लोगों के दिमाग में कुछ नहीं जाएगा और ये लोग मुझे निकालने वाले हैं लगता है। और भाई यहाँ पे स्वैपर ने स्वैप कर दिया। भाई गाइस मैं पूरा गेम समझ गया है। यहाँ पे ब्राउन जो है गाइस स्वैपर है और वो मतलब MVP लेने के चक्कर में ये सब कर रहा है। मतलब क्या यार, अगर तुमको पहले पता है कि इम्पोस्टर कौन है तो उसको भाई सीधा सीधा बोल दो यार, ये सब हरकतें करके क्या फायदा। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस कौन है इम्पोस्टर। और यहाँ पे पर्पल किसी को तुक्का मार दे तो अच्छा रहेगा। अभी ब्राउन तो लगता नहीं है, ब्राउन तो सेफ लगता है मुझे। और येल्लो तो बोल रहा था गाइस येल्लो शेरीफ है और इसने ब्राउन ने उसके ऊपर ही स्वैप कर दिया। पता नहीं यार डुओ में दो रोल्स आते हैं क्या, मुझे नहीं पता गाइस। मैं डुओ बहुत कम खेलता हूँ इसलिए मुझे इसका डुओ का कुछ आइडिया नहीं है। डुओ में डबल रोल आते हैं क्या, मतलब दो शेरीफ हो सकते हैं क्या? बट जो भी होगा देखते हैं गाइस क्या होता है। अभी पहले तो मेरा यहाँ पे कूल डाउन हो चुका है, तो पर्पल अभी किसी को मार दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो यार ये लोग शक के नज़र से ही देखेंगे जब तक मैं टाइम रिवाइंड नहीं करूँगा। अभी देखते हैं गाइस यहाँ पे रिएक्टर फिक्स करने चलते हैं पहले तो। और यहाँ पे पर्पल ब्राउन को मार के खुद मर गया। ओके यहाँ पे मैंने बचा लिया, इसका मतलब मैं और पर्पल तो सेफ हो गए, साथ में ब्राउन भी सेफ हो गया। इतना तो क्लियर है गाइस, इतना तो क्लियर है। अभी मैं और पर्पल सेफ और ब्राउन भी सेफ है, मैंने क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम रिवाइंड करके दिखा दिया इन लोगों। और यहाँ पे ब्राउन ने मीटिंग बुलाया और अभी देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या होता है, ब्राउन ने किस खुशी में मीटिंग। और यहाँ पे व्हाइट मर चुका है, मतलब अभी जोकर तो नहीं हो गए। व्हाइट तो फैंटम था, व्हाइट फैंटम था गाइस, मैं भूल गया था, जाके इलाज करो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ब्राउन सेफ है। और लगता है गाइस यहाँ पे ब्राउन को भी हमारे ऊपर ट्रस्ट आ चुका है। तो अभी बचा कौन है, येल्लो बचा है, येल्लो और रेड बचा है गाइस। और यहाँ पे ब्राउन बोल रहा है कि येल्लो को करो, येल्लो को करो। लेकिन फिर भी गाइस मुझे जोकर का यहाँ पे थोड़ा सा डर है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि जोकर भी है वैसे। तो यहाँ पे ब्राउन बोलता है कि नहीं नहीं येल्लो जोकर नहीं है, वो 100% इम्पोस्टर है, इम्पोस्टर है, सोचो मत, येल्लो को वोट कर दो सीधा, ऐसा बोलता है। ठीक है, तो भाई मैं भी बोलता हूँ कि ओके यार कर दो अभी, फिर इतना बोल रहा है तो हो सकता है इम्पोस्टर है येल्लो। तो अभी हम सभी यहाँ पे येल्लो को वोट करने वाले हैं गाइस। और ब्राउन मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ कि ब्राउन तो सेफ है और मैं टाइम मास्टर हूँ। लेकिन गाइस यार मुझे फिर भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि यार येल्लो के बातों से ऐसा लगता नहीं था कि वो इम्पोस्टर है। लेकिन यार फिर भी इन लोगों ने इतना फोर्स किया होगा तो मुझे लगा कि यार मैं क्यों अकेला पीछे हटूँ, तो मैंने भी यहाँ पे येल्लो को वोट कर दिया। और यहाँ पे येल्लो गाली दे रहा है, यार मत दो भाई गाली, तुम्हारे सामने एक संस्कारी आदमी खड़ा है। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ओके गाइस अभी मैं बोल दू, अबे यार ये क्या भाई, इसने लिटरली मेरे ऊपर स्वैप कर दिया। भाई ब्राउन कौन सा गधा है भाई, यार इसको क्या बोलूं मैं। नहीं मतलब यार मैंने इतना प्रूव कर दिया कि मैं टाइम मास्टर हूं, मैंने टाइम रिवाइंड करके भी दिखा दिया और पर्पल उसको मार के खुद मर गया, भाई फिर भी इसने मेरे ऊपर स्वैप कर दिया। भाई क्या बोलूं यार इस गधे को, यार इस गधे को मैं क्या बोलूं यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पर्पल येल्लो को मारता है शायद, और मैं बच गया यहाँ पे। व्हाट व्हाट क्या हुआ, अबे इनविजिबल हूँ पता नहीं, अबे पर्पल मर गया। अबे यार क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये ब्राउन गधा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज अच्छे से समझ में आ गई, ब्राउन से बड़ा गधा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि यार इतना प्रूव करने के बाद कौन स्वैप करता है। अभी भाई जो भी इम्पोस्टर हो, मुझे लगता है रेड है इम्पोस्टर, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि हम लोग हार जाए। यार भाग यार, मैं जा रहा हूँ यार, मैं बैग जा रहा हूँ यार।